हेलो एवरीवन, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस बोतल से बनाने वाले हैं स्विच बोर्ड। तो दोस्तों हम इस बोतल से कैसे स्विच बोर्ड बनाएंगे वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कैसे हमें स्विच बोर्ड बनाना है। आप भी इस तरह से स्विच बोर्ड दोस्तों खाली बोतल से अपने घर पर बना सकते हैं। तो आपको किस तरह से स्विच बोर्ड बनाना है वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्विच बोर्ड बनाने के लिए हमने ली है ये बोतल और इस पर हमने मार्क कर लिया है, साथ में एक है छुरी जिसकी मदद से हम इसे कट करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो स्विच बोर्ड है ये हम इसमें फिट करने वाले हैं, जिसमें ये हमारे तीन स्विच हैं और एक ये टू पिन सॉकेट है, तो इन सबको हम इसमें लगाने वाले हैं। कैसे स्विच बोर्ड बनाना है वो सब इस वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहना। और ये दोस्तों हमने लिया है कुछ टेस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमने मार्क कर लिया है कि ये जो हमारे स्विच बोर्ड हैं यहाँ तक हमारे इसमें आएंगे, तो हमने इसे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद में हम इसे अभी छुरी की मदद से काटने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये साइड में करते हैं और इस छुरी की मदद से इसे फटाफट से हम पहले कट करेंगे। तो फटाफट से दोस्तों पहले हम इसे कट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने बोतल इस तरह से कट कर लिया। दोस्तों इस बोतल में इन स्विच बोर्ड को फिट करने से पहले दोस्तों हम इसके कनेक्शन इस बाहर ही कर लेते हैं, क्योंकि अंदर हम इसके कनेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये बोतल हमारी पीछे से बंद है, हम इसे खोल नहीं सकते। तो कनेक्शन हमें बाहर से ही करना है। बाहर से कनेक्शन करने के बाद में हम इसमें लगाएंगे। तो फटाफट से पहले दोस्तों इस बोतल को करते हैं साइड में और दोस्तों इसके करते हैं कनेक्शन। तो दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हमने एक ये लिया है वायर। तो दोस्तों हमारा जो फेस वायर है, फेस वायर डालने के लिए हमें तीनों स्विच को फेस चाहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे नाप लेते हैं, नापने के बाद में हम इसे पहले इतना कट करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा वायर कटर, तो सबसे पहले हम इसे इतना कट करेंगे। कट करने से पहले दोस्तों हम इसे इतना छील लेते हैं तो फिर हमें आसानी होगी इसे वायर को लगाने में। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे पहले छील लेते हैं। दोस्तों वायर को हमने छील लिया है। अब दोस्तों अभी हम इन तीनों स्विच बोर्ड में, मतलब तीनों स्विच में इस वायर को डालने वाले हैं। तो इसे डालने के लिए दोस्तों ये जो हमारे तीनों स्विच हैं इन्हें के जो हमारे पॉइंट हैं इन्हें हम थोड़ा लूज कर लेते हैं ताकि हमें वायर डालने में आसानी हो, ठीक है। तो हमने इन्हें तीनों को लूज़ कर लेना है, तो इसे हम पहले लूज़ कर लेते हैं तीनों स्विच बोर्ड जो हमारे स्विच हैं, ठीक है। ये हमारा टू पिन सॉकेट दोस्तों इसमें जो हमारा है इस स्विच से कनेक्शन करने वाले हैं। तो सब दोस्तों वीडियो में देखते रहिए कैसे करना है सभी में। तो दोस्तों पहले हम एक एक करके इन्हें तीनों में ये जो हमारा वायर है ये जो हमने इसे डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कनेक्शन हमें बाहर से ही करना होगा, नहीं तो ये हमारा उसमें लगेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसे पहले इसमें ये दोस्तों हमने, तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं हमने तीनों स्विच को एक जगह कर लिया है, वायर हमने डाल लिया है। तो पहले हम इसे टाइट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसमें दूसरा जो है हमारा इसे भी टाइट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों इसे भी हमने टाइट कर लिया है। ठीक है दोस्तों ये हमारा तीसरा है, इसे भी हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने इन्हें तीनों को टाइट कर लिया है। तो ये दोस्तों हमारा फेस वायर है, ये हमारा जो फेस है, ठीक है। और ये दूसरा वायर है ये दोस्तों, ये जो इस तरह का ये है, ठीक है। तो अभी हम ये जो हमारा इससे इसके में कनेक्शन करने वाले हैं टू पिन का, तो टू पिन का स्विच कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमें एक वायर की मदद, एक वायर चाहिएगा जिससे एक हमें इस पॉइंट से इस पे लगाना है, ठीक है। तो अभी हम एक इस वायर को ले लेते हैं जो हमारा ग्रीन कलर का है ये वाला, से ले करके ये हमने इतना इसे हम काट लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक वायर ले लिया है, ये हमने इसे काट लिया, अभी इसे हम इसमें लगाने वाले हैं।
अभी दोस्तों इस वायर को हम इस वाले पॉइंट पर लगाएंगे, इस वाले पॉइंट पर लगाएंगे, लगा के टाइट करेंगे। तो दोस्तों हमने ये ग्रीन कलर का वायर लगा लिया है, ठीक है। अभी हम ये जो हमारा टू पिन सॉकेट है ये वाला, इसमें किसी भी एक पॉइंट पे हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्तों हमारा टू पिन स्विच है, जो टू पिन सॉकेट है ये इस स्विच से काम करेगा। तो इसे हम इस पे यहाँ पे लगा करके टाइट करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इसके हो चुके हैं, ठीक है। अभी जो दोस्तों ये ग्रीन कलर का जो वायर है ये वाला, इसे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, इसे हमने कट कर लिया। कट करने के बाद में ये जो हमारा ये वाला है, ठीक है, अभी हम इस पे इसे लगाएंगे। ये हमने इस पे लगा दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा जो ग्रीन कलर का जो वायर है ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। ये हमारा फेस है, ठीक है, या फेस आप इसे भी बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं, कोई सा भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह से हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारी बोतल है, अभी हम इसमें इसे लगाएंगे पहले। तो लगाने से पहले ये जो दोस्तों इसमें एक ये जो ढक्कन है यहाँ पे, इसे हम खोल लेते हैं, क्योंकि हम इसे इसमें को निकालने वाले हैं। ये दो वायर हैं तो हम इन्हें इसमें को निकालेंगे। तो इस तरह से हम इसे निकालेंगे और निकाल के दोस्तों हम इसे इसमें कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से हमें इसमें फिट करना है इसे, तो फिट कर लेते हैं पहले हम इन्हें, क्योंकि दोस्तों कनेक्शन आपको हमने बता ही दिए हैं, क्योंकि हम इसमें कनेक्शन इसमें अंदर नहीं कर सकते, तो पहले से ही हमने कनेक्शन किए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हो ये हमने ये जो फेस वायर है ये हमने तीनों स्विच में चला गया हमारे, ठीक है। और इस स्विच से हमारा इस टू पिन सॉकेट काम करेगा, ये न्यूट्रल है हमारा ग्रीन कलर का जो वायर है। और अभी हम इसे इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम इन यहाँ पे होल करेंगे, होल करने के बाद में इसे इस तरह से कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से हम इसे फिट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम फटाफट से पहले इसे फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा बोर्ड तैयार हो चुका है, ये एक बल्ब ये लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा एक स्विच से काम करेगा, ठीक है। बाकी ये एक सॉकेट इससे काम करेगा और एक बल्ब हमारा यहाँ पे लगा हुआ है इससे काम करेगा। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।